का दलित अल्पसंख्यकों एवं आदिवासी समाज के साथ न्याय करने का दिखावा करती है ऐसा कहना है, और जिस कारण संविधान की खुली आम धज्जियां उड़ाकर शोषण व अत्याचार हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, मुख्य न्यायाधीश महोदया, सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन देते हुए कानपुर के सभी सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर के आवाज बुलंद की। राष्ट्रीय सचिव धनीराम पैंथर ने बताया कि भारतीय संविधान के तहत इस देश के एससी एसटी और ओबीसी के साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय व आदिवासियों समुदाय के भाइयों और बहनों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास का नारा भी दे रही है, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी बात कर रही है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से जब केंद्र में एनडीए की गठबंधन सरकार आई तो तब से संपूर्ण भारतवर्ष में जाति द्वेष भावना और धार्मिक भेदभाव के कारण एसटी एसटी ओबीसी धार्मिक अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदाय के साथ खुलेआम घृणित मनवादी मानसिकता के कारण संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर के ज्ञापन भी सौंपा गया है। और वहीं समय समय पर समाज में आपसी द्वेष देखने को भी मिलता है ऐसा कहा जा रहा है। पूरे संपूर्ण देश में संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, संविधान के ऊपर मतलब चर्चों पे हमला हो रहा है, बौद्ध मठों पे हमला हो रहा है, और दलितों और पिछड़ों का जो रिजर्वेशन है वो निजीकरण करके उसको खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब संविधान खत्म किया जा रहा है हर मामले में संविधान के साथ छेड़छाड़। आज चर्चों में कोई पूजा करे उसके साथ, आज हमारे बुद्ध कल्याणपुर में बुद्धा पार्क के बगल में कूड़ाघर का अड्डा बना दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अगर अन्याय होता रहा तो संघर्ष के लिए हम लोग बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट।